देखिए, हमारा उसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देते हैं, और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है जिन लोगों का घर चला गया है उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी ना ग्रामीण क्षेत्र में और ना ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई है। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं, वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जिसको हम डोगरी बोलते हैं वहाँ जाकर के ठहरे हुए हैं, जहाँ पशु रखते थे वहाँ खुद रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। जब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है, और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है ये घोषणाएं किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर से जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं जो परिवार, उनके साथ इस प्रकार की राजनीति करना वो उचित नहीं है, और ये बहुत अमानवीय व्यवहार है एक तरह का, मैं कह सकता हूँ सरकार का। देखिए, एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमको रोज़गार के लिए अगर कोई ज़रिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज़्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का ज़रिया भी टूरिज़्म बहुत बड़ा एक ज़रिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो ख़ासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सीज इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन पहले जम्मू था, और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीज़ें जब करेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहाँ आपको टैक्सीज लगाने हैं, जहाँ जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो, इस बात को सोचना चाहिए। थैंक यू।